दोस्तों सदियों की तपस्या, संघर्ष एवं बलिदान के बाद अयोध्या की धरा पे 22 जनवरी सोमवार को अयोध्या में नव निर्मित श्री राम मंदिर में प्रभु के बाल स्वरूप रामलला की प्रतिमा अपने गर्भ गृह में स्थापित हुई और इसको लेकर संपूर्ण मिथिला के साथ साथ पूरा भारत भी राममय हो चुका है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले ही साल 30 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साथ 6 वंदे भारत साथ ही 2 अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। इसमें से एक अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा से अयोध्या होते हुए आनंद विहार के बीच चलाई जाती है। दरअसल यह अमृत भारत एक्सप्रेस मुख्य रूप से माता सीता की धरा को अयोध्या की धरती से जोड़ने के लिए ही चलाई गई थी। और अब जहां अयोध्या के द्वार पूरे भारतवर्ष के लिए खुल चुका है, वहीं अब जगत जननी भगवती जानकी की धरा मिथिला के श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। राम दर्शन का यहां के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अपने अपने स्तरों से इसे लेकर तैयारियां कर रहे हैं। शहर से लेकर गाँव तक भगवा झंडा लहराया गया, घरों के मुंडेर से लेकर वाहनों तक हाथों में धनुष थामे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चित्र वाले झंडे भक्तों के हृदय में उठते भक्ति के हिलोर का एहसास करा रहे हैं। और अब संपूर्ण मिथिला के साथ साथ सभी श्रद्धालु 22 जनवरी के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन की योजना में है। इसके लिए ट्रेन में अग्रिम आरक्षण भी बुक करा रहे हैं। भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जनवरी माह कौन कहे, जहां तक कि फरवरी में भी अयोध्या जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में आरक्षण उपलब्ध नहीं है। सारे के सारे बर्थ बुक हो चुके हैं। यहां तक कि मार्च के प्रथम सप्ताह तक सभी रिजर्वेशन बुक हैं। और जब तक आप ये वीडियो देखें, पूरी उम्मीद है कि मार्च तक भी पूरी टिकट बुक हो जाएगी। हालांकि कई और ट्रेनों से अयोध्या जाया जा सकता है, लेकिन यह अमृत भारत एक्सप्रेस सीधा सीधा माता सीता की धरा को अयोध्या से जोड़ती है। साथ ही दोस्तों अमृत भारत एक्सप्रेस कई महीने में खास है। इसे वंदे भारत ट्रेन का अगला जनरेशन कहा जा रहा है। इस ट्रेन में 2 इंजन है, जिसमें से एक खींचता है और दूसरा पीछे से धक्का देता है। लिहाजा अन्य ट्रेनों की अपेक्षा यह गाड़ी काफी कम समय में गति पकड़ लेती है, वहीं ब्रेक लगाते समय काफी कम झटका भी देती है। इसमें शौचालय आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए हैं, बर्थ पर कुशन लगाए गए हैं, मोबाइल चार्जिंग व लाइटिंग जैसी कई सारी फैसिलिटी इसमें दी गई है। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के नंबर की तो गाड़ी संख्या 15557 अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा से भाया कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौल, गोरखपुर से होते हुए सप्ताह में 2 दिन अयोध्या के लिए प्रस्थान करती है। प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को इसका परिचालन यहां से होता है। इस ट्रेन में एसी कोच तो नहीं है, लेकिन इसमें स्लीपर और जनरल की बोगिया है। दरअसल यह आम जनता के लिए ही बनाई गई थी। दोस्तों इस ट्रेन में एक दिन में 310 से अधिक यात्रियों के आरक्षण की सुविधा है। दोस्तों शनिवार को मार्च के प्रथम सप्ताह तक यह ट्रेन सभी तिथियों में फुल थी। 7 मार्च के बाद इसमें आरक्षण मिल रहा है, लेकिन हो सके कि जब आप ये वीडियो देखें तो ये आरक्षण भी बंद हो चुका हो। रेल कर्मी व ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराने वाले एजेंट गणेश पूर्व के अनुसार प्रत्येक तीसरा व्यक्ति अयोध्या के लिए ही टिकट आरक्षित कराने पहुंच रहा है। ठंड कम होने के बाद इसमें और भी वृद्धि देखने की संभावना मिल सकती है। तो दोस्तों नीचे हमें कमेंट बताना क्या यह प्रभु श्री राम का जलवा है और आप कब जा रहे हैं अयोध्या दर्शन को। बाकी जाते हुए वीडियो को लाइक साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।